गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। जस्टिन बीबर के फैंस के लिए आ गई है भाई सबसे बड़ी गुड न्यूज। जस्टिन बीबर आने वाले हैं इंडिया, और इंडिया में भी साड़ी दिल्ली। दिल्ली में होगी जस्टिन बीबर की धमाकेदार परफॉर्मेंस। अब भैया जब जस्टिन बीबर परफॉर्म करते हैं तो धमाकेदार वर्ड तो साथ में लग ही जाता है। हालांकि पिछली बार धमाके कुछ और भी हुए थे जब वो आए थे, उनकी बात बाद में करेंगे, पर पहले जरा ये जान लीजिए कि इस बार क्या धमाका होने वाला है। भैया जस्टिन बीबर 18 अक्टूबर को दिल्ली में परफॉर्म करेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट होगा। जाना चाहते हैं? अरे क्यों नहीं जाना चाहेंगे भैया, जस्टिन बीबर के फैन हैं तो आप तो एकदम खुशी से झूम पड़ेंगे। लेकिन जरा टिकट का प्राइस जान लीजिए, और जान लीजिए कि कहां मिलेगी, क्योंकि ऐसे तो जा नहीं पाएंगे, टिकट तो भैया लेनी पड़ेगी। तो देखिए, जस्टिन बीबर जो हैं वो मई 2022 से मार्च 2023 तक 30 देशों में जाएंगे, 125 से ज्यादा शो करेंगे, मतलब खूब पैसा कूटेंगे और आपका पैसा खर्च भी करवाएंगे। तो भाई दिल्ली में जो उनका शो होगा उसकी टिकट होगी 4,000 रुपए से शुरू। जी हाँ, 4,000 रुपए की सबसे सस्ती वाली है, और सबसे महंगी वाली का रेट पता है कितना है? 37,500 रुपए। 4 जून से बुक माई शो पर आप ये टिकट्स खरीद सकते हैं। देखिए, इसी महीने मेक्सिको से जस्टिन बीबर अपना वर्ल्ड टूर शुरू कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया मई 2022 से मार्च 2023 के बीच ये वर्ल्ड टूर होना है, और मई चल रहा है तो ये शो शुरू हो चुका है। जुलाई में वो इटली जाएंगे, अगस्त में स्कैंडिनेविया जाएंगे, अक्टूबर में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और इंडिया आएंगे। देखिए, जस्टिन बीबर जो हैं वो साल 2017 में जो है पहली बार इंडिया आए थे। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में उन्होंने परफॉर्म किया था, खूब सारे गाने गाए थे, सॉरी, कोल्ड वाटर, आई विल शो यू, वेयर आर यू नाउ, बॉयफ्रेंड, बेबी। लेकिन भैया उस वक्त ना बहुत बवाल हो गया था। अब अपने इंडिया में क्या होता है ना, जब तक किसी चीज में बवाल ना हो ना मजा नहीं आता। उस वक्त क्या हुआ, कहा गया कि भाई जस्टिन बीबर जो हैं वो लिप सिंक कर रहे हैं, मतलब लोगों ने हजारों रुपए खर्च कर दिए कॉन्सर्ट के लिए और भाई गाने गा ही नहीं रहा है, मतलब गाना बज रहा है और वो लिप सिंक कर रहे हैं। गर्मी से बड़े परेशान हो गए थे, कॉन्सर्ट जो उनका चल रहा था 15 मिनट पहले ही खत्म कर दिया, शर्ट उतार दी कि बहुत गर्मी लग रही है, और कहते हैं खूब नखरे दिखाए थे उन्होंने, भाई मुझे ये चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए, मतलब 1.5 करोड़ रुपए जो है ऑर्गेनाइजर्स के ठंडे करवा दिए थे इन्हीं चीजों में। और कुछ सेलिब्रिटी से भी उनको मिलना था लेकिन उससे पहले ही चले गए, मतलब खूब नखरे दिखाए, लेकिन उसके बावजूद दोबारा दिल्ली आ रहे हैं, दोबारा इंडिया आ रहे हैं परफॉर्म करने। अब भैया जब आर्टिस्ट बड़ा होता है ना और उसके फैंस खूब सारे होते हैं तो देखिए नखरे तो झेलने पड़ते हैं, लेकिन भाई बाकी सब ठीक है, ये गर्मी वर्मी प्राइवेट जेट वेट सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन यार जो काम करने आ रहे हो ना वो जरा ईमानदारी से करना, मतलब इस बार वो लिप सिंकिंग वाला पंगा नहीं होना चाहिए। गाने सुनने के लिए तो आपको इतनी दूर से बुलाते हैं और इतने महंगे महंगे टिकट खरीदते हैं, तो भाई आप जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में जा रहे हैं तो कितने वाली टिकट लेंगे? 4,000 से शुरू है और 37,000 तक पहुंच रही है, तो देख लीजिएगा अपनी पॉकेट के हिसाब से कौन सी टिकट लेनी है। और जाना है या नहीं जाना फैसला आपका है, क्योंकि पैसा आपका, फैन आप, हम क्या कहेंगे इस बारे में, हमें तो बस कॉमेंट करके बता दीजिए एक्साइटेड है या नहीं है।